हाय फ्रेंड्स, कल मैंने वादा किया था कि और एक वीडियो डालना है, लेकिन जो हमारे माँ काली पूजा चल रही थी ना, उसकी उनके जो साणी मतलब जो विसर्जन हो रहा है अभी भी, आपको आज भी हो रहा है, अभी भी आपको डीजे की साउंड सुनाई दे रही होगी, तो उस वजह से हम देखने चले गए थे और हम नहीं कर पाए। ओके, तो आज का वीडियो हम करेंगे कि ये जो है, उस दिन जो मैंने क्ले पाइप में स्लेट पेंसिल के पाउडर और क्रम्बल्स डालकर क्रंच किया था ना, मुझे बहुत टेस्टी लगे थे, तो उसी को हम करेंगे। क्ले पॉट के अंदर डाल के मैंने सब के अंदर डाल दिया है, और एक वेट करेंगे और एक ट्राई करेंगे, मतलब इनको ना ऐसे लेकर पानी में डुबोगे। देखिए, अगर मैं पानी में डुबोऊँ भी और इंस्टेंट डुबा कर ला कर मैं क्रंच करूँ, फिर भी इसके इनर साइड ड्राई ही रहेगा, लेकिन थोड़ी सी तो वेट होगी। देखेंगे, दो टाइप के टेस्ट हम करेंगे, और कल का ब्लॉग आप सबको कैसा लगा, बस कुछ दोस्तों ने बोला कि अच्छा लगा, और कुछ दोस्त को ऐतराज़ हो गया कि इससे मत बनाइए, मतलब क्रंच में डिस्टर्बिंग होती है, और वो ठीक है, लेकिन ब्लॉग तो मतलब ब्लॉग ना बनाओ तो फिर मुझे आपसे उठपटन से टकिंग करनी पड़ेगी, क्या करें। ओके, तो आज मैंने लिया है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिया है। ओके, और 10 पॉट्स को मैंने फिल कर लिया है, रेड और ब्लैक टू टाइप को स्लेट पेंसिल के पाउडर को मैंने मिक्स किया है, आप देख भी सकते हैं, एकदम ब्लैक नहीं है, इसमें रेड मिक्स है, दोनों को मिक्स करके मैंने इनमें डाला है। सोच रही हूँ कि बहुत आरती टेस्टी और अच्छी टेस्टी रहेंगे, लेकिन फिर हम टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा अच्छी है या क्या है। इसके अंदर भी लिटिल लिटिल मतलब छोटे छोटे क्रम्बल्स हैं। तो अब क्या बात करूं, 2.5 मिनट हो चुके हैं, अब थोड़ी सी 20 सेकेंड्स लेफ्ट है, देखते हैं क्या बात करनी है। चलिए हम अपना क्रंच स्टार्ट करते हैं, पहले वाला ड्राई करेंगे, उसके बाद वेट करेंगे। ओके, ये वाला इसको करते हैं, वन बाइट में इसको करते हैं क्रंच।
फ्रेंड्स, हमारा फिनिश हो गया क्रंच, आज का क्रंच, और आपने काउंट की होगी तो 10 को 10 हमने क्रंच किया। और जहाँ तक टॉकिंग और ब्लॉगिंग की बात है तो वो तो करनी ही पड़ेगी, आपको ही स्किप करके देखना होगा। ओके, तो आज का वीडियो हम यहीं पर रखते हैं। ओके, और घूम घूम के ना जो सर्दियाँ लग गई है, क्योंकि सर्दी के मौसम शुरू हो गई है और थोड़ी थोड़ी सी ठंड लगने लगी है, बाहर कोहरा भी आने लगा है, इसलिए ओके बाय एंड टेक केयर, बाय।